घोसी में आप देख लीजिए, वहाँ चुनाव हुआ तो वहाँ आपने एक फॉरवर्ड समाज के व्यक्ति को लड़ाया। पीडीए जो मैं समझती हूँ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, तो कुछ मतदान लोग जो हैं वो बच्चन और रंजन को पीडीए बताने में क्यों लगे हुए हैं? तो जो पीडीए के खिलाफ धोखा हो रहा है उस धोखे में मैं शामिल नहीं हूँ, मैं मतदान नहीं करूँगी। ये सिद्ध हो गया है कि समाजवादी पार्टी केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रही है। ये जो तीन टिकट आए हैं पीडीए का, इससे कोई लेना देना नहीं, पीडीए पूरी तरह से गायब है, वास्तव में कोई भी दलितों पिछड़ों से लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। जहाँ तक हमारे सहयोगी दल की बात है, मैं उम्मीद करता हूँ कि पीडीए की लड़ाई को वो मजबूत करेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने राज्यसभा के तीन उम्मीदवारों का नाम घोषित करके उनका नामांकन कराया। इन तीन नामों में पिछड़ा कहाँ है, अल्पसंख्यक कहाँ है? आप मुसलमानों के 100% वोटों पे दावेदारी करते हैं और मुसलमान आपको वोट भी देता है, और जब राज्यसभा सदस्य देने की बात आती है तो आप ठिंगा दिखा देते हैं, ठिंगा। अब गेंद अखिलेश यादव जी के पाले में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बाद मैं अपना निर्णय सुनाऊंगा। आप देखिए, अवहेलना और उपेक्षा तो स्वामी प्रसाद मौर्या कोई कर नहीं सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य 24 घंटा कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं। इस पे पार्टी के अंदर बातचीत हो जाएगी और उसका समाधान भी निकल जाएगा। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि पूरा किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन जिस तरह सरकार का व्यवहार है, अगर वो निकल रहे हैं तो रोकने के लिए तमाम चीजों का इंतजाम कर देना, आप भारत रत्न एक तरफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को आप रोकना चाहते हैं, उनकी मांग नहीं मानना चाहते, आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? पीडीए साफ है, सपा साफ है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये तो समाजवादी पार्टी अभी देखना, आगे उनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। देखिए, उनकी अवहेलना हुई है और इस कद के नेता ने आहत होकर के जो निर्णय लिया है वो सही है। कोई भी व्यक्ति आकर के बोल रहा है तो उनसे पूछना चाहिए था, हमें क्या सिर्फ सवर्णों का वोट चाहिए? हम पीडीए की बात कर रहे हैं और पीडीए के नेताओं पे ही अगर तंज कसे जा रहे हैं तो इस पे सवाल उठना चाहिए और लगाम भी लगनी चाहिए। उस कद के नेता के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।